बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह से मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकश फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी आज आप मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज करेंगे, और आगाज के साथ ही जो है आज बड़ी अच्छी खुशखबरी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि होने वाला है एक एक्सपो, और एक्सपो में बहुत सारी चीजें होती है। जब भी हम एक्सपो का जिक्र करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे बिजनेसेस का ख्याल आता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज का ख्याल आता है, और हमारे मुल्क के लिए जो चीजें हमारे मुल्क के लिए कारामा साबित होती है उसका ख्याल आता है। तो ये एक्सपो जनाब होने वाला है पाकिस्तान कोटिंग एसोसिएशन PCA, जो कि 14 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक लाहौर में एक्सपो सेंटर में होगा। इससे जो है हमारी पाकिस्तानी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फायदा होगा। उसके अलावा हम लोग जो है नए नए बिजनेस एक्सप्लोर करेंगे, और जो ये पेंट कोटिंग की जो एसोसिएशन मतलब पेंट होता है उसके हवाले से जो बहुत सारी चीजें होती हैं उसको एक्सप्लोर करेंगे, लोगों को नए नए आइडियाज मिलेंगे, और इस तरीके से हमारा पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा। तो आज हमारा जो पहला सेगमेंट है इसी हवाले से बात करेंगे कि आखिर इस पाकिस्तान कोटिंग एसोसिएशन PCA जो इवेंट है इसमें आखिरकार होने क्या क्या वाला है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं बिजनेसमैन के लिए, और क्या इससे हमारी जो इकोनॉमी है उसको कितना ज्यादा फायदा होगा। हमारे साथ मौजूद है मिस्टर सिराजुद्दीन जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है नेल्सन पेंट इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत खैरियत। सर आपको हम वेलकम कहते हैं मुस्कुराती सुबह। बहुत शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह। सबसे पहले सर आपसे हम स्टार्ट लेंगे, बताइए क्या क्या होने जा रहा है इस एक्सपो में? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PCA का ये फर्स्ट एक्सपो है जो हम कराने जा रहे हैं, और इसमें जैसे आपने खुद ही पहले बता दिया कि माशाल्लाह इसमें करने से पाकिस्तानी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा बूम मिलेगा, और उम्मीद है कि कुछ हमारे बाहर के मेहमान भी इंशाल्लाह आएंगे। और हमारा बिज़नेस जो है वो कंस्ट्रक्शन से है, तो कंस्ट्रक्शन एक ऐसी लाइन है कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन कहने से बहुत सारी लाइनें इससे जुड़ी हुई हैं, तो इससे बहुत लोगों को फ़ायदा होता है, बहुत लोगों का कारोबार बनता है, मजदूरियां बढ़ती हैं, और बहुत ख़ानदान जो है एक नाम ले रहे हैं हम कंस्ट्रक्शन, मगर हम लाखों लोगों को जरिया माश का इसमें इसका लिंक होता है इसमें। बिल्कुल। अच्छा, तो ये सर आपने बताया कि कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज हैं, बिजनेस भी लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें होंगी एक्सपो में? देखिए, बिजनेस एक्सप्लोर करने के लिए ही एक्सपो लगाई जाती है कि जितना जिसका काम है और वो और आगे बढ़े। हर बंदा चाहता है और हर कंपनी चाहती है कि बेहतर से बेहतर की तलाश में होती है, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसमें बहुत अच्छे चार्म होते हैं, और लोगों को ब्रांड्स पता चलते हैं, क्वालिटी लोगों को पता चलती है, और नए कस्टमर्स आते हैं, और इंशाल्लाह बहुत सारी हैं, और तकरीबन हमारे सारे ही मेंबर हैं PCA के, और पाकिस्तान पेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के दो हैं, हमारी एक पेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है जिसको PPMA कहते हैं जी। और एक है अब PCA पाकिस्तान कोटिंग एसोसिएशन, जिसमें 6 सेगमेंट है, 6 सेगमेंट का एक बड़ा अम्ब्रेला बनाया गया है PCA, जिसके अंदर हमारे 6 सेगमेंट शामिल हैं। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारा, इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा और दूसरों को भी होगा। जैसे आपने बताया फरमाया कि क्या फ़ायदा हो रहा है पेंट्स को, कैसे लोग पहचानेंगे, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हर चीज़ की ट्रेनिंग होती है, जैसे पेंटर्स की भी ट्रेनिंग की जाती है ताकि उनको भी अवेयरनेस हो, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि जहाँ किसी ने 4 दिन ब्रश उठा लिया वो पेंटर बन जाता है, तो ऐसा नहीं होता, जिसके लिए फिर सारिफ को भी बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, उसको अंदाज़ है, क्योंकि वो लेमैन होता है। तो इसके लिए हमारी रेगुलर कोशिश होती है, हमारी और अदर्स और कंपनीज की भी, कि वो सेमिनार करती हैं, पेंटर्स को बुलाती हैं, पेंटर्स को सिखाती हैं, और उनको सर्टिफिकेट देती हैं, और उनसे कहते हैं भाई कस्टमरों को कहते हैं भाई सर्टिफिकेट देखें जिसका है उसको आप काम दे सकते हैं, उसको काम आता है। तो ये बहुत बड़ा इसमें लूप पोल होता है कि हर बंदा खड़ा होकर जब पेंट कर लेता है ना, और उसमें उसको पता ही नहीं होता कि पानी वाले में तेल मिलाया जाता है या तेल वाले में पानी मिलाया जाता है, तो इसमें हमारे अवेयरनेस नहीं होती, तो अवेयरनेस की जाती है। अमूमन शिकायत आती है कि यार इसमें शिकायत आ गई जी, अब वो पता चलता है जब हमारा नुमाइंदा जाता है तो जी सर तेल वाले माल में पानी मिलाया हुआ उन्होंने, क्योंकि पेंटर को ज़्यादा इसलिए ये महसूस हुआ कि पेंटरों को जो है ना वो ट्रेनिंग देनी चाहिए।
तो एक रेगुलर अल्हम्दुलिल्लाह चला रहे होते हैं, हम भी चला रहे हैं, कई और इंडस्ट्रीज़ हैं जो ये रेगुलर काम कर रही होती हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि कंज्यूमर का फ़ायदा है ना, क्योंकि कंज्यूमर को पता चलेगा क्वालिटी क्या है, काम करने वाला कैसा है, जब जाके आनी चलती है। क्योंकि बाहर मुल्कों में तो 90% जो है वो खुद कर रहे होते हैं। अच्छा, अवेयरनेस वहाँ सब है, हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है। दूसरे, यहाँ हमारे यहाँ शाही माहौल है, क्या हम पेंट करते हुए जो ना अपने आप को समझते कि जी मैं पेंट करूँगी, मैं घर में सफाई करूँगा, मैं घर में सफाई करूँगी, तो मेड किस लिए? वहाँ तो ना मेड है ना कुछ है, खुद ही साफ करना है, हफ्ते में जो 5 दिन काम करना है, 1 दिन सैटरडे संडे जो घर की सफाइयाँ, कपड़े धोने, सारे काम करने होते, बाथरूम भी खुद करना होता है। यहाँ तो अय्याशी होती है। तो एक मेरे कज़न है अमरीका में, तो वो कहते हैं कि तुम लोग अय्याशी हो, यानी जमा के लफ्ज़ कहता है, अय्याशी करते हो तुम लोग, इसलिए अय्याशी हो। तुम्हारे घर में कितने मेट काम करने वाले, दुकान पे आपको कितने काम करने, फैक्ट्री में कितने काम करने, यहाँ तो सारे काम खुद करने पड़ते हैं। तो हमारे का माहौल बहुत ज़्यादा ये है कि हम शहनशाही माहौल में हैं, अल्लाह ने वो दी भी है, और बहुत मैं कहता हूँ शायद 1% लोग होंगे जो शायद अपना पेंट करते होंगे, वरना 99% हम खुद करवा रहे होते हैं। बिल्कुल, और वहाँ ज़्यादातर खुद अपना कर रहे होते हैं। तो जब वहाँ खुद कर रहे होते हैं उसकी अवेयरनेस होती है, पढ़े लिखे होते हैं सब पता चला होता है, यहाँ तो बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते, तो इसलिए ट्रेनिंग की जाती है, उसको इसलिए समझाया जाता है। तो अब वो समझने के बाद जितना अच्छे समझे उतना आगे उसको परफॉर्म करेंगे, और हमारे अपने सार्फिन का फ़ायदा होगा, ये चीज़ चल रही होती है। बिल्कुल, देखिए जी, नेल्सन का आगाज़ 1995 में हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत छोटी सी फैक्ट्री से स्टार्ट लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तरक्की देते हुए और यहाँ तक पहुँचाया, और अल्लाह ने टॉप 10 में अल्हम्दुलिल्लाह नाम ला के खड़ा कर दिया। ये अल्लाह का बड़ा करम, और इसके लिए जो है वो बेसिक जो थी वो थी नहायत ईमानदारी और क्वालिटी, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। अदर्स कंपनीज भी माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे पेंट बना रही हैं, पहले में और अब में ज़मीन आसमान के फ़र्क आ गए। अब लोग कस्टमर भी और हमारे फैक्ट्री ऑनर्स भी ये कहेंगे यार क्वालिटी अगर हम देंगे तो हमारा नाम होगा, और जब जो क्वालिटी देता है उसका नाम होता है। तो और बहुत हल्की क्वालिटी बनाने वाले भी, अल्लाह उसको भी रिस्क दे रहा है, अल्लाह ने रिस्क तो अपने हाथ में रखा है। अगर हमारे हाथ में होता तो शायद हम किसी को जिंदा भी नहीं छोड़ते, पानी गिलास भी नहीं देते। तो ये तो अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है, वरना तो सिर्फ नेल्सन होता, बाकी कोई पेंट इंडस्ट्री नहीं होती। तो अल्लाह ने वो कहते हैं नाखून नहीं दिए गंजे को, तो ये तो अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है, बहुत अच्छा है। तो जो छोटा काम करने वाला है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी रोजी पूरी ले रहा है, दरमियाना हर क्वालिटी के बनाने वाला है, क्योंकि हर क्वालिटी का कस्टमर ही मौजूद है। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम देखें तो एक क्वालिटी के कस्टमर कितने हैं, 10%, बाकी मीडियम है फिर लो है, तो सबको कवर करना है। हम लो नहीं बनाते, वो हाई क्वालिटी नहीं बनाते, तो ये अल्लाह ने एक ऑटोमेटिकली ऐसा सिस्टम बना दिया कि सबकी रोजी भी चल रही है, सबके काम भी हो रहे हैं, और जिसको जो चीज चाहिए उसको मिल भी रही है। बेशक, तो ये बहुत बेहतरीन काम हो गया। देखिए जी, हुकूमत के, ये तो आप भी जानते हैं, हुकूमत किसी भी सेगमेंट को कितनी सपोर्ट दे रहे हैं, कहीं भी कोई नहीं है। और जो हालात जो पैदा कर दिए एज अ डॉलर की मद में, जो हमारी एक की है सब की, तो उसी में सब के सब डिस्टर्ब होके रह गए। यानी कोई चीज़ भी अब तक ऐसी नहीं है जो कोई पॉलिसी बन जाए, पॉलिसी का हिस्सा बन जाए। हर पाकिस्तान में जितनी भी इंडस्ट्री हैं सब सिर्फ देख रही हैं कि अल्लाह कब बिल्कुल आप आफियत फरमा देंगे, और सबके जहनों में आ जाएंगे और एक पॉलिसी का हिस्सा बन जाएंगे। जब पॉलिसी सब बन जाएगी तो इंशाल्लाह ऐसा ऐसा बेहतरी भी आ जाएगी, मगर अभी तक कोई भी आसार नजर नहीं आ रहा है। आपका पॉइंट है ना, वो इन 4 महीनों को हिसाब से मैं वाजे कर रहा था कि इसमें अब तक कोई नहीं कहा, वरना तो जहाँ जैसे यूसुफ भाई ने कहा जहाँ बैठ के बात की जाती है तो वहाँ बेनिफिट मिलते हैं। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, चेयरमैन साहब, आपको एक पाकिस्तान कोटिंग एसोसिएशन का बेसिकली नारा है, ठीक है, मैं नहीं हम, मैं नहीं हम, ओके, ये बहुत बेहतरीन नारा, मैं है, मैं नहीं हम, मैं नहीं हम, ठीक है। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक इसमें हमें कायम व दायम रखे।
इसको थोड़ा नीचे करते हैं हम ताकि हमारे फ्रेम में आ जाए। जी मैं नहीं हम, माशाल्लाह बहुत अच्छा आप लोगों ने नारा जो है वो ये सोचा है कि एक इंडिविजुअल तो कुछ भी नहीं कर सकता ना, जब तक आप एक कॉम नहीं बनते, एक ग्रुप नहीं बनते, तो हम जब तक नहीं बनेंगे जब तक किस तरीके से चीजें आगे बेहतर होंगी। बेहतरीन हो गया माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। ये पैगाम देना चाहूंगा कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान है तो हम हैं, हम अपना हिस्सा ईमानदारी से जरूर पाकिस्तान में डालें। जितना मैं कैपेसिटी रखता हूँ अपना हिस्सा ईमानदारी से डालूं तो इंशाल्लाह ये तरक्की कर जाएगा, मगर ऐसा होता नहीं है। अल्लाह पाक मेरी दुआएं कबूल करे और सबको करे, और अपना हिस्सा ईमानदारी से डालें तो इंशाल्लाह बिल्कुल एक एक पॉइंट करके इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। आमीन आमीन।